और ये G20 नहीं है भाई साहब, ये 420 हुआ है, G20 नहीं, 420 हुई है राष्ट्र के साथ। आप मुझे बताओ, चाइना आया, चाइना नहीं आया, फूक दिया वो। चाइना तो गलबैया बनता था, इनके साथ झूले झूलता था। चाइना ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, थू 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 ये करा, मुद्दे पे ही बुलाया था। मगर क्या हुआ, चुम्बन दिख रहा था, चुम्बन देश की महिला बाल विकास मंत्री को चुम्बन, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी मासूम बच्चियों के बलात्कार हुए हैं, मगर आज तक उसको बताने का प्रयास नहीं किया। वहां डबल इंजन की सरकार कहां उठ जाती है नहीं पता। चुम्मा और चुम्मा दिखती हो अम्मा, कौन देगा तुम्हें चुम्मा, समझे? और क्या, जो वही जवान जो कारगिल में युद्ध करता है, उसकी बेटी और उसकी धर्मपत्नी को निर्वस्त करके घुमाते हैं, उसके गुप्ताओं में उंगलियां डालते हैं। इनके शासन में भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां। जहाँ की G20 को लेकर के जहाँ पूरा देश एक जश्न मना रहा है और वहां उसके विरोध में हो, ऐसा क्यों? देखिए, कहाँ जश्न मना रहा है ये मुझे बताओ ना। भारत के अंदर पहले नंबर स्थितियां ये कमजोर हुई हैं इस भारत की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेचारे गरीब थे, झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, उनके आगे तंबू लगा दिए, उनको रोजी रोटी की परेशानी हो गई, खाने के लिए लाले पड़ गए उनके। और दूसरे नंबर 144 धारा इस तरीके से लगा दी गई जैसे पता नहीं क्या होने वाला भारत के अंदर। और तीसरी बात, सबसे जो खतरनाक बात है कि आपने कहा कि इस देश का 4,500 करोड़ रुपया इन्होंने बर्बाद करा। इसे बर्बाद करना नहीं कहते, इसे बर्बाद क्यों बता रहे हो आप? मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले पूरी बात सुनिए मेरे भाई। 4,500 करोड़ रुपया, जबकि इससे हमारे भारत से ज्यादा विकसित देश हैं, उनके यहाँ भी ये सम्मेलन हुए हैं, उन्होंने 100 करोड़ में निपटा दिए ये सम्मेलन। तो 4,500 करोड़ में सिर्फ कुछ नहीं दिखा भारत का, कोई तरक्की नहीं दिखी कि 9 साल में 9.5 साल में भारत ने क्या तरक्की करी, कुछ तो दिखाते हैं G20 वालों को। एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसने चंद्रयान पहुंचाया। मेरी बात सुन लीजिए, चंद्रयान भारत ने पहुंचाया ना, भारत के वैज्ञानिकों ने पहुंचाया, प्रधानमंत्री ने क्या पहुंचाया, तो विश्व गुरु कैसे हो गया प्रधानमंत्री? अरे देश के प्रधानमंत्री का तो नाम आएगा ही, आपका थोड़ी आ जाएगा। अरे सरकार तो विश्व गुरु के लगा रखे थे, और अकेले प्रधानमंत्री के फोटो है, जो G20 सम्मेलन के देश थे उनके किसी के फोटो नहीं थे, सिर्फ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। ये मजाक बना दिया था देश का। आपको ये दिखाओ ना उस देश के अंदर क्या हो रहा है, इसकी बेरोजगारी अपनी चरम पे है, शिक्षा की स्थिति बिल्कुल कमजोर लंचर है, और भारत में ऐसी स्थितियां ऐसी आवाज उठ रही हो कि भारत में संविधान संविधान को खत्म करो। तो ये इनके शासन में हो रहा है कि संविधान को खत्म करो, और क्या कहें वो वन इलेक्शन, क्या वन नेशन वन इलेक्शन, ये हालत है भारत के अंदर। कल ये कहेंगे एक देश एक पार्टी, तो ये क्या क्या कर रहे हैं, जुमलेबाजी उस देश चलता है। कभी कहते हैं इंडिया का नाम हटा दो, तो अब विपक्ष ने इंडिया नाम रख दिया किसी संगठन का, तो इनको इतनी मतलब की ज्वेलसी अंदर से कपट है, ये इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। इंडिया नाम गुलामी का नाम है, अंग्रेजों का दिया हुआ, इसलिए बदला जा रहा है, इसलिए नहीं कि इंडिया को खत्म करना या विपक्ष को खत्म करना। गुलामी का नाम है इंडिया का, है तो गुलामी में जो इनकी माँ थी पिता थे उनके उसे पैदा काय को हुए भाई, है उस टाइम गुलामी में थे ना तुम्हारे माँ बाप, तो पैदा काय को उतरे क्यों उस टाइम, कि भाई मैं तो गलत जगह, मेरी माँ गुलामी की जब समय में पैदा हुई थी तो मैं क्यों पैदा हूं, है बाद में क्यों पैदा हुए भाई, बाद में पैदा हो जाते आजादी के बाद, पहले पैदा क्यों हो गए। ये स्थितियां इनकी मानसिकता। और दूसरे नंबर वो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने क्या कहा था आप बताओ, क्या कहा था कि भारत नाम रख दो अच्छी बात है। और मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी, उसको ये ज्ञान नहीं है कि वो क्रिकेट खेलता है, किसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, है इंग्लैंड का, तो विदेशियों का ही तो है, तो क्रिकेट क्यों खेल रहा भाई, सब बोनस फंड लेना बंद कर दे, सारे जो मेडल मिले फेंक दे, है क्योंकि वो तो विदेशियों का खेल खेला, पहले सोचना चाहिए था ये विदेशियों का खेल है, हमारे भारत का खेल है। अगर तुझे खेलना है तो कबड्डी खेलता, हॉकी खेलता, ये राष्ट्रीय खेल थे हमारे, है तो पहले खुद सोचो कि तुम क्या क्या रहे हो। और जो कह रहे हो कि विदेशी है, उससे पहले इंडिया के नाम पे दुनिया भर की इंडिया साइनिंग पता नहीं क्या क्या इन्होंने चलाए कंपेन, तब इनको क्या कौन खा गया था इनको, इनकी बुद्धि भ्रष्ट थी क्या, ये एकदम खुल गया। तो ये कुछ नहीं है, देश के मूलभूत मुद्दों से भटकाने का काम है इनका, कि इंडिया बदल दो, है कि उसका नाम बदल दो, कि संविधान बदल दो। अबे संविधान काय का बदल दे भाई, संविधान बदलने की चीज है नहीं, संविधान की बात को बाद में करेंगे, पहले G20 की बात करूंगा। G20 से इतनी नफरत क्यों हो रही है? देखिए G20 में देश का पैसा बर्बाद किया, और G20 का मतलब क्या, इन्होंने कहा विश्व है, विश्व का
कुछ बताया इन्होंने कि वर्ल्ड वर्ल्ड मैप आ रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा आ रहा भाई, आप मुझे बताओ इसको कौन करा रहा है, कितने देर रहा इसके अंदर? चाइना आया, चाइना नहीं आया, थूक दिया वो। चाइना तो गलबैया बजता था, इनके साथ झूले झूलता था। चाइना ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, थू 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 ये करा है। और ये कहते थे चाइना से आंख मिला के बात है, हमारा तो मित्र है, मित्र नहीं आ रही। इतनी बुरी स्थितियां भारत के अंदर हो गई है, तीन चार देश नहीं आए इनके सम्मेलन में, स्थितियां ये मजाक बनवाया भारत के प्रधानमंत्री ने। और मुझे बताओ ऐसी तरक्की क्या कर दी इससे, सम्मेलन से अगर फायदा होना था है तो एक बात बताओ कि पूरे देश में पूरी दिल्ली को ब्लॉक क्यों करा भाई? जब ये देश के लिए भलाई हो रहा था तो लोग स्वागत करते, पूरे देशवासी देखते कि कौन कौन से देश का है, किसी को नहीं आने दिया। यहां तक कि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री जो भी था है, उसने कहा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना कर दिया। तो एक बात बताओ इतना डर है इनको कि खुद तो स्वयं नहीं आते पत्रकारों के सामने, प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात कह देते हैं मगर देश के मन की पत्रकार लेना चाहते हैं उस मीडिया को आने नहीं देते, सोशल मीडिया को आगे नहीं आने देते। और यहाँ की तो छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है, जंतर मंतर पर सोशल मीडिया को खड़ा नहीं होने दे रहे, वॉलेट फोड़ा बढ़वा के भगाते हैं। तो ये स्थितियां, तो एक बात बताओ कौन सी तरक्की कर रहा है? और ये G20 नहीं है भाई साहब, ये 420 हुआ है, G20 नहीं 420 हुई है राष्ट्र के साथ। आप मुझे बताओ 4,500 करोड़ इनके बाप का नहीं था, ये देश के गरीब किसान मजदूर का था, जो रिक्शा भी चलाता है, जो मेहनत करता है, उसकी खून पसीने की कमाई का था, समझे? उन्होंने बाहर के लोगों ने जो विकसित देते 100 करोड़ में कर दिया, ये 200 में कर देते, 300 करोड़ में कर देते, मगर 420 करोड़ तो बचते। तभी तो मैं कह रहा हूं 420, ये 420 है, 420 करोड़ रुपए का, 1,000 करोड़ का इन्होंने नुकसान किया देश का। तो इसलिए मैंने कहा कि देश का पैसा ऐसे पानी की तरह, इन्होंने क्या कमाया? एक बात बताओ, इन्होंने मेहनत की हो, कोई फावड़ा चलाया हो, कोई मजदूरी की हो, कोई काम धंधा किया हो अपने जीवन में? कहते हैं झोला उठा के भीख मांग के खाया इन्होंने 35 साल। तो एक बात बताओ, जिसके बाद जो अनुभव होगा भाई, तो भारत को देगा अनुभव था, जब तो चंद्रयान पहुंचा दिया चांद पे, और कोई क्यों नहीं पहुंचा पाया? नाली गैस वैज्ञानिक ने पहुंचा दिया भाई, ये पनौती था, ये देश के अंदर नहीं था, इस मारे चंद्रयान पहुंच गया, और ये देश के अंदर था भी नहीं जब लॉन्च हुआ, और उससे पहले जब पहुंचा तब भी देश में नहीं था ये आदमी। अगर देश में होता तो मुझे लगता पनौती है आदमी देश के लिए। महंगाई अपनी चरम सीमा पर, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए इनके शासन में, जवान परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, बहन बेटियों की इज्जतें और अस्मतें सुरक्षित नहीं, उनकी लूट रही है। मणिपुर में देखा आपने कैसे निर्वस्त करके घुमाया इन्होंने, समझे? उत्तर प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, उनकी इज्जत टूटी जाती है इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा। ये G20 में मणिपुर से घुस रहा है भाई, G20 क्या मणिपुर नहीं सुख ठीक घुसेगा? हाँ घुसेगा, नहीं भारत का है G20, वर्ल्ड मैप की बात करते हैं, वर्ल्ड में क्या हम पूरे वर्ल्ड के नक्शे में क्या मणिपुर नहीं आता? अरे वो राष्ट्रीय मुद्दे पे था G20, कोई इंटरनेशनल नहीं था। सुन लो, आप नहीं आते हो वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया में आप नहीं हो क्या, मैं नहीं हूँ क्या, कोई नहीं है? जब वर्ल्ड की बात होती है, वर्ल्ड के हर एक आदमी, हर शासन की, हर प्रशासन की, हर जगह की, हर क्षेत्र की, वर्ल्ड के लोगों को भी G20 का मतलब क्या हुआ है? 20 देशों के लोग, जितने भी देश है उनके लोगों के लिए अच्छे काम करेंगे, कई लोगों का शोषण हो रहा है उनके लिए काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का। ये इसलिए भी G20 हुआ कि भाई बहन बेटियों की इज्जत उठ जाए तो वो ना पता चले किसी को, और जो राष्ट्रपति जो बोलना चाहे अमेरिका का, अपनी बात कहना चाहे, कोई संदेश देना चाहे भारत के अंदर, उसकी जुबान बंद कर दोगे आप? भारतवासियों की तो जुबान बंद कर ही दी है, ना विपक्ष को बोलने देते, ना किसी को बोलने देते। और मैं बोल रहा हूं ना तो जान हथेली पे लेके बोल रहा हूं, मैं तो कहता हूं मार दो मुझे गोली, क्रांतिकारी हूं। घुटन होती है जिस तरीके से देश का व्यापार, लघु कुटीर, छोटे लघु उद्योग सब खत्म कर दिए, खुदरा व्यापार खत्म कर दिया तुमने, समझे? नहीं, हर जगह लूट है, दलाली है, रेड़ी पटरी खोमचे वाले तक को लूट लिया इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा, सब जगह कहीं पुलिस मांगती है, कहीं MCD मांगती है। तुम तो देखते हो, दिल्ली में रहते हो ना, खा देखो, चाय बेको, पकौड़ा बेको, सिंगाड़ा बेको, मूंगफली बेको। अरे भाई जब तुम कहते हो समोसा बेच लेंगे हम, हमारे देश के युवा बेच लेंगे समोसा पकौड़ा है, मगर कोई बिल्ला दे दो भाई, कोई प्रमाण पत्र दे दो, ठेली पे लगा ले आदमी, अपनी दुकान पे लगा ले कि कोई मुझसे मांगेगा नहीं, MCD वाला नहीं मांगेगा,
या कोई प्राधिकरण वाला नहीं मांगेगा या पुलिस वाला नहीं मांगेगा। सब जगह हफ्ता उगाही करवा रखी है तुमने शासन प्रशासन से, कौन जी रहा है देश के अंदर? और तो और जो पूर्व सैनिक है उनकी स्थिति आप देख लो क्या कर दिए है। उन्हीं के लिए इसने कहा था वन रैंक वन पेंशन। उन्होंने कहा अरे भाई ये तो आसमान से उतरे हैं, ये तो विशेष आदमी है, ये कलिंग अवतार हो गए, ये हमें वन रैंक वन पेंशन दे रहे हैं। तो पूरे देश के सेना के जवानों ने, पूर्व सैनिक, तो इसके रात दिन प्रचार किया, बुरी तरीके से किया, इसको वोट डलवाया, पता नहीं कैसे कैसे इसके लिए वोट मांगा। और वोट देने के बाद इसने क्या करा, ना वन रैंक वन पेंशन, वो पेंशन भी रोक दी इनकी, इन्हें डराने का प्रयास किया। और इनके शासन में ही दो पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पर आत्महत्या करी राष्ट्रीय धरना स्थल पे, और ये जवानों के नाम पे वोट मांगते हैं। और तुमने कहा मंडी फैला जाता है कि वही जवान जो कारगिल में युद्ध करता है उसकी बेटी और उसकी धर्मपत्नी को निर्वस्त करके घुमाते हैं, उसके गुप्ताओं में उंगलियां डालते हैं। इनके शासन में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां है ना मुख्यमंत्री इस्तीफा देता, ना कोई कार्रवाई, आज तक अपडेट नहीं पता, 4.5 महीने हो गए, आज भी वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, जात पात और धर्म मजे संप्रदाय के नाम पर मारा जा रहा है, समझे नहीं, और दूसरे समुदाय को निशाना बनाया जाता है। 300 से ज्यादा चर्चे आग के हवाले कर दी वहां, और बहन बेटियों की, बच्चों की, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के बलात्कार हुए हैं, मगर आज तक उसको बताने का प्रयास नहीं किया। वहां डबल इंजन की सरकार कहां उठ जाती है नहीं पता है, वहां ये नहीं पता विकास कहां जाता है, कहां इज्जत है कहीं, महिला का ये सम्मान करेंगे, सेशन बुलाते हैं महिला का, सेशन क्या, महिला सेशन बुला रहे हैं, क्या महिलाओं को सम्मान देंगे? आपने देखा लास्ट सेशन क्या हुआ था, मणिपुर मुद्दे पे ही बुलाया था, मगर क्या हुआ, चुम्बन दिख रहा था, चुम्बन, देश की महिला बाल विकास मंत्री को चुम्बन। तो एक बात बताओ, मजाक नहीं है देश के लिए, कितना बड़ा मजाक है, देश की महिला बाल विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री है, वो चुम्बन जैसी बातें कर रही है। और भाई ये कहां फिल्मों के जो करेक्टर आ गए हैं फिल्में, यहां पे भी शूटिंग ही करते हैं क्या, एक्टिंग ही करते हैं क्या, लोकसभा के अंदर भी मजाक बना दिया। देश की बहन बेटियां देखती हैं सारी लोकसभा, जब देख रही होगी सदन चल रहा होगा, तो ये देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया इन्होंने, महिला बाल विकास मंत्री ने, और सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वो चुम्मा दिखा रही है मैडम, कि चुम्मा और राष्ट्रीय चुम्मा दिखती हो अम्मा, कौन देगा तुम्हें चुम्मा, समझे? और क्या मजाक बना दिया। अगर मैं कह रहा हूं नहीं कि अगर सदन का मैं होता ना सभापति, तो इस महिला को तुरंत FIR दर्ज कराता, उसको जेल में डलवाता और सदस्यता रद्द कराता, क्योंकि देश की बहन बेटियों पे इसका मजाक। और जिन देश के क्रांतिकारियों ने, शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, चंद्रशेखर आजाद ने, ऊधम सिंह ने, जिन देश के लिए कुर्बानियां दी, आज वो जब देखते हो संसद में, अरे इनके लिए, इनकी नीचों के लिए, इन इन ऐसे ऐसे लोगों के लिए चुम्मा देखते हैं, ये देखते हैं, ये गंदगी चल रही है भारत के अंदर, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो भी थूकते होंगे इनके ऊपर कि किन के लिए हमने आजादी के लिए बलिदान दिए। आज दुख होता है जब माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं है, और आप कहते हो G20, मैं कह रहा हूँ G20 नहीं है, 420 है, भारत के साथ धोखा दिया है और खुद को भी शुरू बनाने की कोशिश की है, जबकि देश शुरू से पहले खत्म होने पर आ गया है, समझे? सारी DGP गिर गई है आज, किससे, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, ये स्थिति कर दी शासन में है। आप कहते तो विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु नहीं हुआ ये तो, खुद महिमा मंडित स्वयं वो विश्वगुरु बन गए है, 4,500 करोड़ अपना चेहरा चमकाने में लगाया, अपना चेहरा चमकाने लगा और कुछ नहीं करा।